राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाली बीजेपी के दोनों ही विधायकों को अब नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया गया है और इसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी गाइडलाइन तोड़ने पर कार्यवाही होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीलाराम घोगरा ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, जिसमें सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर और 84 विधायक राजकुमार रोत को किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करने के लिए कहा गया था। पार्टी ने सरकार के सामने काकड़ी डूंगरी केस वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने केस तो वापस नहीं लिए, लेकिन दोनों ही विधायक बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठ गए। दोनों विधायक सरकार से काकड़ी डूंगरी केस भी वापस नहीं करवा सके और आदिवासी युवाओं के साथ धोखा किया। डॉक्टर बीलाराम घोगरा ने दोनों विधायकों पर सरकार से आर्थिक लाभ लेकर समर्थन करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से दोनों ही विधायक काकड़ी डूंगरी और यहां की मांगों को लेकर चुप हैं। बीलाराम ने कहा कि विधायकों की ओर से बिना सूचना के बाड़ेबंदी में जाने और कांग्रेस को समर्थन करने को गलत मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन का वक्त दिया है, इस दौरान दोनों को अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कमेटी की मीटिंग में निर्णय लेकर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।